नमस्कार दोस्तों, राव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना की खीर। साबूदाना की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ एक छोटा कटोरी साबूदाना लिया है, जिसे मैंने अच्छे से चार पानी से धो लिया है। साबूदाना की खीर बनाने के लिए साबूदाना को तब तक साफ करना होता है, यानी तब तक अच्छे से धोना होता है, जब तक कि साबूदाना का जो भी पाउडर जैसा कलर है वो गायब ना हो जाए और साबूदाना पानी में पूरी तरह साफ ना दिखने लगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ साबूदाना अच्छे से धो लिया है, उसमें किसी तरह का कोई भी पाउडर जैसा पानी नहीं दिख रहा है, साबूदाना का पानी एकदम साफ है। तो अब हम इस साबूदाना को एक बर्तन में छान लेते हैं। और साबूदाना की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है आधा केजी दूध, जिसमें से थोड़ा सा दूध हम इस साबूदाना में डाल देंगे। और बाकी का दूध हम गैस पर गर्म होने के लिए बैठा देंगे, जब तक कि उसमें एक उबाल ना आ जाए। साबूदाना की खीर में डालने के लिए हमने यहाँ पर और जो सामान लिया है वो है 2 बड़ा चम्मच चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा किशमिश, काजू और बादाम ले लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, साथ ही 4 इलायची ली है जिसे मैंने कूट कर दाना निकाल लिया है। साबूदाना की खीर में ड्राई फ्रूट्स डालना एकदम ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें और अगर आपको पसंद ना हो तो ना डालें। वैसे तो इलायची डालना भी ऑप्शनल है, लेकिन इलायची का फ्लेवर खीर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं कहूँगी कि इलायची ज़रूर डालें, भले ही आप ड्राई फ्रूट्स डालें या ना डालें। तो इधर हमारा दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें उबाल आ चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे इलायची और किशमिश। इलायची और किशमिश डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसे तेज आँच पर अच्छी तरह से खौला लेंगे। इसे 2 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे साबूदाना जो हमने दूध में भिगो कर रखे हैं। अब इस साबूदाने को थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे, जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए और साबूदाना हमारा ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे। साबूदाना जब हमारा आधा पक जाएगा तो हम इसमें मिलाएंगे चीनी। साबूदाना आधा पक चुका है, तो अब हम इसमें चीनी मिला देते हैं। इस साबूदाना की खीर को हाई टू लो फ्लेम पर पकाते हुए मुझे पूरे 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं इस 15 मिनट में हमारे साबूदाना का खीर भी अच्छी तरह से बनकर तैयार है। ये साबूदाना का दाना कितना बड़ा बड़ा और खिला खिला सा दिख रहा है, हालांकि ये अभी गर्म है तो ये ठीक से नहीं दिख पा रहा है, तो मैं इसे आपको ठंडा करके आऊंगी। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और खीर को उतार लेते हैं। खीर को उतारने के बाद इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स काट कर डाले हैं वो डालकर मिला लेंगे। ये देखिए साबूदाना का एक एक दाना कितने अच्छे से पक चुका है और कितना खिला खिला सा दिख रहा है। तो अब बनकर तैयार है हमारे साबूदाना का खीर, जो खाने में बहुत ही लाजवाब लगने वाला है। आप भी इस तरह से अपने घर पे साबूदाना का खीर एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी खीर कैसी बनी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं।